आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए खुशखबरी है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आए सीए प्रभाकर गुप्ता जी। आप सब लोगों को पता है, मैं जीएसटी के बारे में तो बता देता हूँ भैया, लेकिन जो आरओसी वगैरह होती है उसके बारे में कम जानकारी होती है। नहीं, जानकारी आपको पूरी है, लेकिन आप एक्सपर्टीज इसमें जीएसटी में अच्छी है, तो आप इसलिए उसी के बारे में। हाँ, तो मैं आरओसी के बारे में इतना नहीं बता पाता। हालांकि हम 4 सितंबर को, ठीक है ना, एक सेशन रख रहे हैं जिसमें हम आरओसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो आरओसी का भी वर्क करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा भैया आपसे ये है कि आरओसी में ना अभी कुछ चेंजेज आए हैं, ठीक है, चाहे किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे एलएलपी हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन कंप्लाइंस के ऊपर जो नोटिफिकेशन आई है या जो सर्कुलर आया उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। सबसे पहले धन्यवाद कपिल जी अपने चैनल पर मुझे इन्वाइट करने के लिए। तो बेसिकली क्या, देखिए आरओसी के बारे में, जीएसटी के बारे में तो आपने अक्सर कपिल जी से सुना ही है। आरओसी में नॉर्मली बहुत कम चेंजेज आते हैं, लेकिन जो चेंजेज होते हैं वो बहुत दूर तक इफेक्ट डालते हैं कंपनीज के ऊपर। तो अभी 11 तारीख को बेसिकली एक सर्कुलर उन्होंने, एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है गवर्नमेंट ने, और उस नोटिफिकेशन में इन्होंने बात की है बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वो आप लोग कई बार हो सकता है कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो कहें कि साहब हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है या हम इसके ऊपर क्या करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। ओके, वो इम्पैक्ट क्या है? बेसिकली जो सर्कुलर, जो नोटिफिकेशन आया है वो ये कहता है कि जी सबसे पहली पॉइंट उसके अंदर ये है कि आप अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बनाते हैं, आजकल तो सभी लोग कंप्यूटर पे ही बना रहे हैं, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ओके, तो पहली चीज ये है कि उनको जो बैकअप लेना है अपने बुक्स का, वो डेली बेसिस पर लेना है। Okay. पहले बेसिकली रूल ये था कि आप क्या कहते हैं, आप प्रोडाटा बेसिस पे किसी भी एक टाइम पे, प्रोडक्ट बेसिस पे आप ले सकते हो। आपने कह दिया सर मैं 15 दिन में बैकअप लेता हूँ, या मैं 30 दिन में लेता हूँ, या मैं 2 महीने बाद बैकअप लेता हूँ। अब ऐसा नहीं होगा, आपको डेली बेसिस पर बैकअप लेना होगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या है? देखिए इसका मेजर जो इम्पैक्ट आएगा वो ये आ गया कि जी अभी क्या होता था कि सपोज आपके यहाँ पर कभी रेट बढ़ गई तो आप ये कहते हैं सर मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपडेटेड नहीं है, मेरी बुक्स क्या है अभी तो सब चार्टर्ड के पास में रखी हुई है, मेरी बुक्स मेरे सर्वर पर अवेलेबल नहीं है जी, अभी तो मेरे कंसल्टेंट के यहाँ पर मेरी बुक्स हैं। अब उन्होंने कहा है साहब आपके पास में डेली आपका पास बैकअप होना मैंडेटरी है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब मेरी बुक्स किसी कंसल्टेंट के पास तो है, मतलब किसी अगर चार्टर्ड के पास, अगर मान लो किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं जी, तो हमारे को उसका डेटा डेली क्लाइंट को भेजना पड़ेगा। डेली आपको क्लाइंट को भेजना पड़ेगा, और क्लाइंट को डेली अपने सिस्टम पर उसे रखना होगा, उसका जो होगा सर्वर है तो सर्वर पर उसे अपने यहाँ पे अपलोड करना होगा। मींस अब वो उसके पास ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि सर मैं पेरियोडिकली मैं क्या कहते हैं बैकअप लेता था, तो मेरा जो बैकअप का टाइम है वो 2 महीने बाद का है या 3 महीने बाद का है, भाई आपका बैकअप आज का बैकअप आज होना चाहिए, और यदि नहीं है तो फिर जो बुक्स उसको मिली वो बुक्स उसके लिए फाइनल हो जाएंगी। तो एक तो ये इफेक्ट आया, दूसरा जो इसमें चेंजेज आया है वो ये आया है कि आप अगर आप जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स आउटसाइड इंडिया रहे होते हैं, ठीक है, जो इंडिया में सर्विसेज दे रहे हैं, अब उनके लिए मैंडेटरी कर दिया कि यदि आप इंडिया में सर्विसेज दे रहे हो तो उनको अपना इंडिया में एक ऑफिस इंचार्ज डिक्लेयर करना होगा, ठीक है, और उस ऑफिस इंचार्ज का एड्रेस, नेम, सब कुछ आपको पब्लिश करना होगा, बताना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो आउटसाइड इंडिया हूँ, इंडिया में सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे कोई भी नोन पर्सन नहीं है। अच्छा भैया, इसमें एक चीज और है, मैंने देखा जो फ्लायर सर्विस है, हाँ ठीक है, हमारी फ्लायर सर्विस में क्या होता है कि हम जीएसटी की तो अपडेट देते ही देते हैं जी, इनकम टैक्स की भी देते हैं, और अगर कोई 2-4 लोग 10 लोग आरओसी का काम कर रहे होते हैं तो ये हम इस तरह की अपडेट भी क्या अपने प्रोवाइडर्स को देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कपिल जी आपने देखा भी है कि जो हम लोग जो फ्लायर्स जो बनाते हैं, फ्लायर्स में हमारा मेजर होता है जीएसटी, इनकम टैक्स और आरओसी। और मैं आपको बता दूं कि जो अब अगला महीना आ रहा है आपका सितंबर का महीना, अब तो आरओसी और इनकम टैक्स और टीडीएस और कंपनीज का ही टाइम है, इंडिविजुअल्स का टाइम तो निकल चुका, तो इसमें इतने सारे अपडेट्स आने वाले हैं। अभी मैं जैसे आपको रिसेंट में बता दूं कि नई पूरी वेबसाइट ही चेंज हो रही है एमसीए की, ओके, और जो कि 1 सितंबर को अपलोड हो जाएगी पोर्टल पर।
और अभी 15 तारीख से और 31 तारीख तक उन्होंने कुछ जो सर्विसेज हैं वो होल्ड कर दी हैं, जो आप अभी एमसीए पर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टर केवाईसी अभी आपकी लेटेस्ट नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो अब आपकी एमसीए से रिलेटेड आने वाली है, नए रूल्स आने वाले हैं, तो वो सारे अपडेट्स हमारे रेगुलर जाते हैं जो फ्लायर्स में। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले महीने जुलाई के महीने में हम लोगों ने टैक्स अपडेट से रिलेटेड लगभग 40 से ज्यादा अपडेट्स शेयर किए थे। और अगर ड्यू डेट्स की बात करें तो पिछले महीने जुलाई जुलाई में हमारे 50 प्लस अब ड्यू डेट्स गई थी, ठीक है, और सितंबर में हमारा जो टारगेट है वो ये है लगभग 50 प्लस ड्यू डेट्स और 50 प्लस टैक्स अपडेट्स जो कि हमारे इसमें जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपके फ्लायर्स के अंदर जा रही है, वो इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने अभी तक हमारी फ्लायर वाली सर्विस नहीं ली है ना, तो उसे भी रजिस्टर्ड करा ले, ठीक है, जिससे कि आपको ना अपडेट्स मिलती रहे और आप अपने क्लाइंट्स को आगे अपडेट्स दे सकें। अच्छा, एक और जो मेजर अपडेट आया है वो ये आया है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब आपके ऑफिस में हमेशा रहनी होंगी। जैसे मैंने एक बैकअप की बात करी, ठीक है, उसके अलावा एक ये भी है कि जी आपके पास एक तो बैकअप हो गया, दूसरा ये भी है कि भी आप कैसे तो सर्वर तो मेरा किसी दूसरी जगह पर लोकेटेड है, सिस्टम मेरे दूसरी जगह पर है, भी मेरे यहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो आप ये भी बोल सकते हो। तो नॉर्मल कोर्स में भी उन्होंने एक जगह और डाल दिया है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई भी एक्सक्यूज ये नहीं दे सकते कि जी मेरे कंसल्टेंट्स या मेरे चार्टर्स के पास में बुक्स हैं, वो अभी अपडेट कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बुक्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन मेजर इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या पब्लिक लिमिटेड है, ओपीसी है, उनके ऊपर ये बहुत बड़ा एक वो आ गया है कि अब उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है जिस पर ये कहें कि साहब हमारे पास बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह की अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी फ्लायर सर्विस ले सकते हैं, हमारी मैगजीन की सर्विस ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और 4 सितंबर को जो हमारा एमसीए के ऊपर मतलब कि कंपनीज के ऊपर वो जो वेबिनार होने वाला है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।